हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर का नज़रिया। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सर्दी में लगाने वाली एक वेजिटेबल कह लें या सैलेड का आइटम कह लें। जी, ये जो आप टंकी देख रहे हैं मेरी सामने सीमेंटेड, ये काफ़ी बड़ी है और इसी में मैं इसको लगाने वाली हूँ। कुछ लोगों ने तो अभी तक लगा भी ली होगी, लेकिन इसको कई बैच में भी लगा सकते। मैंने भी इससे पहले लगा ली है, लेकिन अभी फिर से लगाऊंगी तो मुझे थोड़े थोड़े दिन के बाद ये लगातार मिलती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है जो मैं लगाने वाली हूँ। वो है मूली या रेडिश, जो कि सर्दियों में हम आमतौर पर सलाद के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसके पत्तों का हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं, एक तरह की सब्ज़ी बनती है। तो कुल मिला के इसका और जो मूंगरे टाइप के निकलते हों उसकी भी सब्ज़ी बनती है। तो ये फुल प्लांट एडिबल होता है। ये अच्छा वक्त है इसको लगाने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप चाहें तो अभी लगा सकते हैं और आपको 40 दिन के अंदर बहुत अच्छी सी मूलियाँ बनकर तैयार मिल जाएंगी खाने के लिए। तो बस आप भी मेरे साथ साथ अपने विंटर गार्डन की तैयारी कर लिए। उसमें आप क्या लगाएंगे, वेजिटेबल या फ्लावर प्लांट, दोनों भी लगा सकते हैं। वो जैसी आपके पास स्पेस हो, जिस तरह की आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, ये तो सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी बड़े साइज़ की टंकी और इसकी मिट्टी देखिए, मैंने 2 दिन तक स्टेरलाइज्ड कर ली, यानी कि धूप दिखा ली है इसको, अच्छी तरह से गुड़ाई उड़ाई करके इसमें खाद मिला दी है। पहले इसमें आपने मेरा देखा होगा पर्पल हार्ट का प्लांट लगा था, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत था, पर वो बहुत लॉन्ग टाइम से लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको हटवा दिया। और ये देखिए, ये एक लोहे का ड्रम है और इसमें पहले ही मैंने मूली लगा रखी है। ये आप देखिए, इसमें निकल भी आए हैं और कितने बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं, पर अभी ट्रू लीफ नहीं आई है। अब सेकेंड बैच मैं इस टंकी में लगाऊँगी। और ये जो आप कागज़ में देख रहे हैं, ये मूली के सीड हैं। इन सीड को हम टंकी में लगाने वाले हैं आज। तो आप चाहें तो पहले मिट्टी गीली भी कर सकते हैं, या चाहें तो पहले बीज लगा लें बाद में मिट्टी को गीला कर लें। तो मैं पहले आज बीज लगाऊंगी और मैं बीज को किसी लाइन के हिसाब से नहीं लगाऊंगी, सिर्फ बिखरा सी दूंगी, स्प्रिंकल करके लगाएंगे आज। ये भी टेक्निक काफ़ी पुरानी है और इजी भी है और अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। तो ये देखिए, मैं बस सिर्फ सिंपली दूर दूर स्प्रिंकल कर दूंगी इसके सीड्स, और इसके सीड्स काफ़ी छोटे होते हैं बस, तो आप इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल दिए और ये बहुत जल्दी जर्मिनेट भी कर जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 3 दिन में आराम से आपके स्प्राउट्स निकल आएंगे इसमें, और बीज जितना बड़ा होता है उसको उसी हिसाब से मिट्टी से कवर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बीज बहुत छोटा हो, मिट्टी बहुत ज़्यादा अगर आप उसके ऊपर डाल देंगे तो फिर वो दब जाएगा और सड़ जाएगा, हो सकता है आपकी स्प्राउटिंग ही ना हो। तो इसलिए आप जितना बीज हो उसी के हिसाब से उसको मिट्टी से दबाएं। ये देखिए, मैंने डालने के बाद बस उसको हाथ से ऐसी रैंडमली बस दबा दूंगी, और फिर इसके बाद हम इसमें अच्छी सी वाटरिंग कर देंगे। और बस वाटरिंग के लिए अगर आपके पास केन है तो और भी अच्छा, और नहीं है तो भी आप हाथ लगा के धीरे धीरे से पानी डाल दिए तो आपकी ये मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी। और बस फिर जब आपके स्प्राउट्स निकल आए उसके बाद ही आप फिर इसकी जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। पर जब आप मिट्टी तैयार कर रहे हो तो वो बहुत खादयुक्त होनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी में बनने वाली फसल हो और इसकी इसको रिच सॉइल चाहिए, क्योंकि अपन कंटेनर में लगा रहे हैं तो इसकी जितनी भी नीड्स है तो कंटेनर से ही पूरी होनी है। तो इसलिए आप इसमें अच्छी है मात्रा में गोबर खाद मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें अब पानी डाल दिया। मैंने इसमें यूज़ की है किचन वेस्ट कंपोस्ट और गोबर की खाद। तो आप भी इस तरह से 2 खाद मिलाकर बना सकते हैं, पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी बिल्कुल डिकम्पोस्ट खाद हो। अगर नहीं होगी तो ये मिट्टी के नीचे बनने वाला कंद है, अगर डिकम्पोस्टिंग नीचे शुरू हो गई तो हो सकता है कि आपकी मूली नीचे सड़ना शुरू हो जाए।
तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको पूरा गीला कर दिया है। और गार्डनिंग एक एक्सपीरियंस है, इसको करके सीखा जा सकता है, और करके सीखा हुआ हमेशा याद रहेगा, किसी के बताने से नहीं। कौन कहाँ रहता है, किस तरह का मौसम है, ये उसके आसपास वाले ही जानते हैं। ज़रूरी नहीं है आज जो नॉर्थ इंडिया में मौसम है वो साउथ इंडिया में भी हो। तो इसलिए कुछ चीज़ें आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं। मौसम में भी बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, तो इसलिए भी जो चीज़ें 15 अक्टूबर तक भी लगाई जाती थी अब 30 अक्टूबर तक भी लगाई जा रही हैं। तो इसलिए आप अपने आसपास का मौसम देखते हुए अपनी सब्जियां या फूल लगाएं। और देखिए अगर पानी की बात, आपको एक आध दो जो सीड्स ये देख रहे हैं आप ऊपर दिखाई दे जाते हैं, तो इस तरह से आप उनको मिट्टी के अंदर कर दें ताकि कि स्प्राउटिंग में कोई दिक्कत ना हो। और चाहे तो आप इसके ऊपर से मिट्टी डाल दें, दोनों ही टेक्निक बढ़िया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें जब स्प्राउटिंग होगी तो कितने दिनों बाद इसमें स्प्राउटिंग हुई या क्या रिज़ल्ट मिला, तो वो लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँगी। ये देखिए ये 3 दिन बाद का क्लिप है जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये स्प्राउटिंग आप देखिए कितनी हेल्दी है और निकल भी आई। और ये देखिए हमें कम से कम 80% जर्मिनेशन रेट मिला है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, अभी ट्रू लीव्स नहीं आई हैं, सिर्फ स्प्राउटिंग हुई है और ये काफ़ी अच्छे प्लांट्स निकल आए हैं। बस तो अब धीरे धीरे हमारी मूली बनना तैयार होने वाली है। तो आप भी इस तरह से अपने घर में मूली लगा सकते हैं, तो ज़रूर लगाइए आप भी मेरे साथ साथ, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी इसी तरह की वीडियो पसंद आती हो तो फिर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर लिए मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आपके जो भी एक्सपीरियंस या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, या कोई जिज्ञासा हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।